तो कांग्रेस क्यों नहीं जीतेगी, ऐसा क्यों लग रहा? मैं विधायक हूँ ही नहीं कि मालूम है भाई हम। तो क्या हाल है इस बार चुनाव का? चुनाव को एक नंबर, मोदी सरकार ही आएगी। और शिवराज जी? शिवराज जी तो रहेंगे ही, कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, सरकार भाजपा की है, भाजपा की रहेगी। कांग्रेस का नैया डूब चुकी है पूरे तरीके से। हाँ, तो प्रदेश में भी डूब जाएगी या देवतलाव में डूबा रहे हैं? मैं विधायक हूँ ही नहीं कि मालूम है भाई हम। कांग्रेस काम भी नहीं अच्छा हुआ ना। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त जहां पर मौजूद हूं मैं, यहां से लगभग 300 मीटर की दूरी पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा चल रही है और इसी सभा के लिए आए हुए कई लोग यहां छांव में बैठे हुए हैं। उनसे यहां के स्थानीय मुद्दों के साथ साथ एक उम्मीद मऊगंज को लेकर के लगातार बनी रही है कि 2008 में भी एक बार मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मऊगंज को जिला बनाने की बात कही गई थी, किन्हीं कारणों से जिला नहीं बना। अब 2023 चल रहा है, 15 वर्ष बीत चुके हैं और इस बार अब फिर से जिले बनाने की गुंजाइश समझ में आ रही है और उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री अपने भाषण के दौरान ही मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा कर सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर के यहाँ के स्थानीय लोगों का और रैली में आए हुए लोगों का क्या कहना है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग मऊगंज से ही आते हैं, देवतलाव से हैं? देवतलाव से। तो क्या हाल है इस बार चुनाव का? चुनाव को एक नंबर, मोदी सरकार ही आएगी। और शिवराज जी? शिवराज जी तो रहेंगे ही, कहीं नहीं जाएंगे। चौहान जी की सरकार है तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सरकार भाजपा की है, भाजपा की रहेगी। और आपके यहाँ के विधायक जी विधानसभा अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम, तो उनके कार्यकाल में क्या काम हुआ जब से विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, तब से क्या विकास हुआ देवतलाव की? अगर बहुत विकास हुआ है, जैसे जैसे रोड में हर जगह रोड सड़क बन रही है और भी काम चालू है। इधर सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं देवतलाव में बन रही है, हमारे ढेरा में बन रही है और मंदिर का काम हो रहा है। तो रैली तो वहाँ चल रही है लेकिन आप लोग जो है तो यहाँ इतना दूर 300-400 मीटर दूरी पे बैठे हुए हैं। धूप वहाँ बहुत है ना, इसके लिए यहीं से सुनाई दे रहा है। अच्छा, यहीं पे सुनाई दे रहा है इसलिए। और इस बार जो होते यहाँ मऊगंज और देवतलाव विधानसभा की अगर बात करते हैं, हो सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को इस बार टिकट ना मिले, किसी दूसरे नए प्रत्याशी को उतारा जाए? कोई भी मिलेगा, आएगी भाजपा सरकार ही, ये तय है। हाँ, और मऊगंज में प्रदीप पटेल के खिलाफ लोग कह रहे हैं कि काफी असंतोष है क्षेत्र में, इसलिए उम्मीदवार भी बदला जा सकता है? वो सब मेरे को नहीं मालूम, मऊगंज हमारा है ही नहीं, हम देवतलाव से आए। देवतलाव से आए? देवतलाव में आप लोग संतुष्ट हैं? कोई भी उम्मीदवार आएगा तो जीतेगी भाजपा ही, तो कांग्रेस क्यों नहीं जीतेगी, ऐसा क्यों लग रहा है? कांग्रेस का नैया डूब चुकी है पूरे तरीके से। हाँ, तो प्रदेश में भी डूब जाएगी या देवतलाव में डूबा रहे हैं? मैं विधायक हूँ ही नहीं कि मालूम है भाई हम। नहीं, जनता तो है, जनता आप ही तो चुनेंगे, आप ही तो गिरीश गौतम को भी चुने होंगे। हाँ, चुने हैं, सब जन मिल के चुने हैं ना, हम अकेले थोड़ी नहीं। वही तो कह रहे हैं, जैसा सब चलेंगे वैसे हम भी चलेंगे। अच्छा, जैसा सब चलेंगे वैसे ही आप भी चलते चलेंगे। कांग्रेस काम भी नहीं अच्छा हुआ ना। सर, 18 महीने की सरकार थी तो उस दौरान भी असंतुष्ट थे आप लोग? नहीं, वो सब ठीक था, कोई बात नहीं, वो तो सरकार तो वही थे। हाँ।